लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भोजपुर के श्याम राज पांडे वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा 31/12/2023 को दून पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सकड़ी में बच्चों का ओलंपियाड प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दक्ष परीक्षा के साथ कबड्डी एवं आर्ट कला एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के संस्थापक नित्यानंद पांडे एवं दून पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सह प्राचार्य राजन पांडे ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेधावी और गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया, जिसमें कबड्डी के कोच के रूप में सुनील कुमार सिंह मौजूद रहे। ये प्रतियोगिता दून पब्लिक स्कूल सकड़ी सह राजकीय मध्य विद्यालय सकड़ी के बिछुआ में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार सिंह एवं संतोष कुमार उर्फ बबलू सिंह, बबली सिंह, मनोरंजन पांडे आदि लोग मौजूद रहे। शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट। दून स्कूल में सर आज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आयोजक राजन कुमार पांडे जी, प्रबंध निदेशक दून पब्लिक विद्यालय को कबड्डी प्रतियोगिता और दक्ष प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बधाई सभी व्यक्तियों। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों विकास होता है, और ये लगभग ग्रामीण स्तर पे लुप्त हो रहे खेल की बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सुंदर और अनुकरणीय पहल। इससे सभी विद्यालयों को अनुकरण करना चाहिए और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी विद्यालयों को पहल करना चाहिए, जिससे कबड्डी खेल का और प्रचलन ग्रामीण स्तर पर बढ़े। सभी प्रतिभागी को बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए संदेश है कि निरंतर रूप से कबड्डी खेल में रुचि रखें और अपने खेल की रुचि को, अपने प्रतिभा को इस क्षेत्र में बढ़ाएं, और इस खेल में भी काफ़ी अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल का बढ़ावा जो है राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और खेल में भी अपने जीवन की रुचि को, अपने कैरियर को खेल में भी हम बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए है कि यदि उनका रुचि है और प्रतिभा है तो उसमें रुचि बनाए रखें, और आज के आयोजन में आयोजक का सहयोग करें और खेल को खेल भावना की तरह से खेलें, और आयोजक प्रबंधन के द्वारा बनाए गए नियमावली का अक्षरशः पूर्णतः पालन करें। सर अपना परिचय दें। मैं मनोज कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख कोइलवर। सर आज आपके स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रतियोगिता हम लोग जो करा रहे हैं ये श्याम राज पांडे वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत हो रहा है। हम लोग उसका स्पॉन्सर्ड के रूप में काम कर रहे हैं, ये हमारा स्कूल स्पॉन्सर्ड के रूप में काम कर रहा है। और इस प्रतियोगिता में हम लोग बच्चों को जो उनकी अंदर प्रतिभा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही संस्था के तरफ से, हमारे स्कूल के तरफ से, जो इस प्रतियोगिता में बच्चे 1, 2, 3 रैंक में आ रहे हैं उनको हम अपने स्कूल में फ्री में 1 साल का पढ़ाई कराएंगे, ये हमारा वादा है गार्जियन से। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि बच्चे और थोड़ा सा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अभी देहात में इस क्षेत्र में लोग में इसके प्रति जागरूक नहीं है खेल के प्रति। इस प्रतियोगिता में कहाँ के प्रतिभागी हैं? इस प्रतियोगिता में दून पब्लिक स्कूल सकड्डी और राजकीय मध्य विद्यालय सकड्डी के बच्चे प्रतिभागी हुए हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो नारायणपुर से प्रतिभागी हुए हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को चाहेंगे कि वो इसके प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। प्रत्येक साल हमारे विद्यालय में इस तरह का प्रोग्राम कराया जाएगा। सर अपना परिचय दे दें। मैं राजन कुमार पांडे, डायरेक्टर दून पब्लिक स्कूल
सकट्टी।